हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका सीजीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस कवर करा रहे हैं। रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं और वो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें एग्जाम में कम से कम 4 से प्रश्न पूछने की संभावना आती है। ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ और साथ में पजल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो मैंने रीजनिंग का टॉपिक आपको बताया है रैंकिंग, एक बार उसको देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट करने से पहले। सिटिंग अरेंजमेंट करने से पहले क्या होगा, कभी भी अगर आपको बोलेगा बाएं से बोलेगा, मतलब फ्रॉम लेफ्ट बोलेगा, बाएं से बोलेगा, लेफ्ट बोलेगा, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमको बोलेगा दाएं से बोलेगा, मतलब राइट से बोलेगा, राइट मतलब यहां पर क्या हुआ दाया, अगर दाया बोलेगा तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर सपोज मैंने बोला कि बाएं से फोर्थ बोला है, मैंने बाएं से यहां पर क्या बोला है फोर्थ बोला है, तो 1 2 3 4 ये वाला पोजीशन यहां पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, अगर मैंने सपोज बोला दाएं से मैंने अगर बोला है फिफ्थ, तो 1 2 3 4 5 ये वाला पोजीशन यहां पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये सबसे पहला चीज। ठीक, दूसरा अगर मान लो कोई चीज हमको फिक्स दिया हुआ है, मान लो यहां पर ए का पोजीशन यहां पर फिक्स है, अब इस ए के अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो ये मेरा क्या होगा राइट हैंड साइड होगा, मतलब यहां पर क्या होगा दाया होगा, और अगर मैं इसके इस साइड गया तो यहां पर क्या होगा हमारे पास लेफ्ट होगा। ठीक है, ये वाला हुआ। आपको बेसिकली वहां पर डायरेक्शन आपको दिया रहेगा कि आपको दक्षिण दिशा में है, उत्तर दिशा में है, आपको पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में। अगर आपको वहां पर डायरेक्शन आपको मेंशन नहीं करता है तो हम ये मान के चलेंगे कि सभी के सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक, अगर सपोज सबके सब ऐसा बैठे हैं तो ये क्या हो जाएगा उनका राइट हैंड हो जाएगा, ये उनका लेफ्ट हैंड होगा, और अगर मैं यहां से लूंगा तो ये राइट हैंड होगा और यहां से ये क्या होगा लेफ्ट हैंड होगा। अब अगर सपोज सबके सब ऐसा बैठे हैं तो यहां से जब मैं इधर आऊंगा तो ये मेरा क्या होगा राइट हैंड होगा और यहां पर क्या होगा लेफ्ट हैंड होगा, मतलब आपका जो हाथ होगा उसी के हिसाब से आप वहां पर क्या होगा कन्वर्शन होगा। ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है रैखिक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। जो आज हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा रैखिक मतलब लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक, लीनियर में यहां पर क्या होता है सिंगल पेयर सिंगल लाइन वाला होता है जिसमें सभी के सभी एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। जो दूसरा होता है वो क्या होगा आपके पास पेयर होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे होंगे। एक आदमी अगर मान लो उत्तर बैठा हुआ है तो वो आपको दक्षिण की ओर देख रहा है, जो दक्षिण में बैठा वो उत्तर की ओर देख रहा होगा, या फिर जो पूर्व में बैठा हो पश्चिम की ओर देख रहा होगा, या जो पश्चिम में बैठा हो पूर्व की ओर देख रहा होगा, एक यू वाला होता है। दूसरा जो तीसरा अभी के ट्रेंड के हिसाब से आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है वो वाला ये है कि आपका एक पंक्ति में बैठे हुए लोग होंगे लेकिन अब सबके सब क्या होगा एक ही दिशा में नहीं बैठे होंगे, कुछ लोग उत्तर की ओर देख रहे होंगे, कुछ लोग दक्षिण की ओर देख रहे होंगे, तो उनके हिसाब से हमको उनका लेफ्ट और क्या करना पड़ेगा राइट हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हमेशा कोशिश करिएगा कि इस टाइप का जो फिगर होगा वो हमेशा किससे बनाए, पेंसिल से बनाए, क्योंकि आपके पास सपोजिशन वाले केसेस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और एक साथ में एक एक्स्ट्रा फिगर बना के साथ में आप क्या बोल एक सब्स्टिट्यूट फिगर भी साथ में क्या अलग से बना के रखना पेयर में, ताकि आपको वहां पर मैचअप हो सके और हम क्या होगा जो हमारा सही आंसर आ सके। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं आपको बोला कि ए बी और सी के बीच में है, तो मैंने यहां पर बोला है कि ए कहां पर है बी और सी के बीच में, तो ये कंफर्म हो गया कि ए बीच में बैठा है, तो यहां से दो केस बनेगा, ये ए इधर होगा तो बी इधर होगा सी इधर होगा, ये केस नंबर फर्स्ट बनेगा। और ये भी तो केस हो सकता है ना कि बी इधर हो और यहां पर ए इधर हो, ये भी हो सकता है क्योंकि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो जब आप फिगर बनाएंगे तो आप एक फिगर इसको लेके चलेंगे और साथ में एक सब्स्टिट्यूट आप इसको भी लेके चलेंगे, तो फिगर को बनाने में आपको आसानी होगा। फिर जैसे जैसे अपन फिगर को आगे बनाएंगे, जैसे हम केस को पढ़ेंगे, उस केस के हिसाब से क्या होगा जो आपका जो केस होगा, जैसे अब आपको यहां पर बोला है कि बी ए बी और सी के बीच में बैठा हुआ है और आगे आपको बोला है कि सी ए के दाएं में है, सी ए के दाएं में, तो मतलब ये वाला जो केस है यहां पर सी ए के बाएं में, ये वाला केस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, ये वाला हुआ। दूसरा, हमेशा
जब भी स्टार्ट होगा, स्टार्ट हमेशा क्या होगा, कंफर्म केस से होगा। इस चीज को याद रखना है, स्टार्ट हमेशा क्या होगा, कंफर्म केस से होगा। जैसे आपको बोला है कि सात लोग बैठे हैं, ए बी के दाएं चौथा है, बी सी के बाएं चौथा है, या तीसरा आपको इस तरीके से आपको दिया हुआ है, और एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि डी बाएं छोर से चौथे नंबर पर है, तो उस पंक्ति में कंफर्म केस कौन सा हुआ, डी वाला हुआ। और हम क्या करेंगे, उस डी से ही बाकी सबका रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ना चालू करेंगे। क्लियर हुआ? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, ए बी सी डी ई एंड एफ आर जी आर फेसिंग नॉर्थ, सात लोग हैं। तो पहला काम, एक दो तीन चार पांच छ सात, एक दो तीन चार पांच छ सात, ये साथ में उसका हेल्पिंग फिगर बनाया हो, ताकि मान लो कोई केस हमसे छूट जाए या कोई केस अपने को दो बार आ रहा है तो हम दोनों के यहां पर मैचअप कर लेंगे। इसीलिए ठीक है, सबके सब उत्तर की ओर देख रहे, मतलब सबका फेस इस ओर है। तो ये मेरा क्या हुआ, अगर मैं यहां से आया तो ये बायां छोर हुआ, इधर से आया तो क्या हुआ, दायां छोर हुआ, और किसी एक का पोजीशन फिक्स लिया तो वो उसका दायां हुआ, और ये इसका यहां पर क्या होगा, बायां होगा। ठीक, अब हमको दिया हुआ है कि F इज इमीडिएट राइट ऑफ E, मतलब F E का निकटतम है, लेकिन कौन कहां पर दिया है कि अपने पास, वो हमको नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद E इज फोर टू द राइट ऑफ G, E G के कंडीशन हमको वो भी नहीं दिया कहां पर है। C इज द नेबर ऑफ B एंड D, मतलब C B और E का पड़ोसी है। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट द वन ऑफ एंड। ठीक है, पर्सन, अब कंफर्म केस कहां से दिया अपने पास, ये वाला कंफर्म केस हमको दिया हुआ है कि जो व्यक्ति डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा वह किसी छोर पर है। तो डी का बाया मतलब डी कहां पर हो गया, बीच में हो गया, डी कहां पर हो गया, बीच में हो गया, और डी का बाया, डी का बाया यहां पर, ये डी का बाया, ये डी का बाया जो हो गया, यहां पे जो बैठा एक व्यक्ति वो वहां पर छोर पर बैठा है, यही हमको बोला है, जो डी के बाएं एक छोर पर बैठा हुआ है। ठीक, एक ही कंडीशन बनेगा हमारे पास। अब डी से देखते हैं किसी का रिलेशन हमको दिया हुआ क्या, दिया हुआ है कि सी इज द नेबर ऑफ बी एंड सी, सी जो है बी और डी का पड़ोसी है। तो एक केस यहां पर ये बनेगा, यहां पर सी ले लेते हैं क्योंकि सी किसका पड़ोसी है, बी और डी का पड़ोसी है, सी बी और डी का पड़ोसी है, जो सी है यहां पे लिए, जो सी है बी और डी का पड़ोसी, हमने दोनों केस को साथ में लेके चला है। ठीक, अब आगे यहां पर क्या बोल रहा है कि ई इज फोर टू द राइट ऑफ जी, ई इज फोर टू द राइट ऑफ जी, और क्या दिया अपने पास, एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, एफ ई का निकटतम पड़ोसी हमको वो दिया हुआ है। ठीक, अब ये देखते हैं, E is 4 to the right of G. E is 4 to the right of G. एक कंडीशन यहां पर हुआ, E को अगर हम यहां बैठाए तो G को हम यहां बैठाएंगे, एक ही कंडीशन बनेगा। ठीक है ना भाई, एक ही कंडीशन बनेगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पे ये कंडीशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि F is imitated to the right of E. F is imitated to the right of E. मतलब एफ ई के दाएं छोर पर है वो, हमको यहां पर कंडीशन को सपोर्ट हमको नहीं करेगा, तो मतलब ये वाला जो केस है अपन इसको नहीं लेंगे। ठीक, अब यहां पे लेते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है अपने पास, ये कंडीशन बोल रहा है कि ई जी के दाएं चौथे पर है, तो जी को यही बैठाना पड़ेगा और एक दो तीन के बाद यहां पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ई जी के दाएं चौथे नंबर पर है, यही एक केस पॉसिबल होगा क्योंकि ये तीन जगह तो वो घेर चुका ही नहीं होगा। और F को कहां पर बैठाएंगे, F को यहां पर बैठाएंगे, तो एक आदमी बच गया, वो कौन बैठा है, A, वो यहां पर A होगा। तो हमारे पास ये वाला हमारे पास क्या होगा, फिगर बनेगा हमारे पास कंफर्म केस वाले में, और हम इसी को हम लेके चलेंगे। ठीक, अब ये बोला है कि A का स्थान कहां पर है, A कहां पर है, एक्सट्रीम कहां पर है, इधर देखे ना अपन लोग, एक्सट्रीम राइट पे है, कहां पर है, एक्सट्रीम राइट पर है, ये हमारा पहला आंसर हुआ। क्लियर हुआ? ठीक, जो दूसरा बोला है, हु आर द नेबर्स ऑफ बी, बी का पड़ोसी कौन है, बी का पड़ोसी कौन है, जी और सी, जी और सी, बी का पड़ोसी कौन है, जी और सी, मतलब सी और जी, ये हमारा आंसर। ठीक, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हमको ट्रू दिया है, ई इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी,
नहीं। ए इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी है क्या? नहीं है हमारे पास, है क्या? ई इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी, अच्छा नहीं। ई इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी, ये वाला केस हमारे पास नहीं बन रहा है। ठीक, पहला वाला हमारे पास नॉट ट्रू बोला है ना, हाँ तो सही है ये। ठीक, ये उसके बाद ए इज एट द वन एंड, बिल्कुल सही है। एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ठीक, और सॉरी सी सेंटर में है, सी सेंटर में है क्या? नहीं, डी है सेंटर में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट वन, हु आर द लेफ्ट टू द सी, सी के लेफ्ट में कौन है? चलो भाई सी के लेफ्ट में देख लेते कौन है। सी के लेफ्ट में कौन है? जी और बी। सी के लेफ्ट में कौन है? जी और बी। खाली जी दे खाली बी देगा तो भी अपना आंसर होगा ओनली बी जी। ठीक, ओनली बी जी, सॉरी ओनली बी एंड जी, बी एंड जी। ठीक है, ओनली बी बी के साथ बी एंड जी दे दिया, थोड़ा देख लेना उसमें, है ना। ठीक, ये तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन आपके पास आएगा, एक ही फ्रेम देगा और उस एक फ्रेम में आपको क्या होगा, चार से पांच क्वेश्चन बनाएगा। अगर आपके पास नहीं, तो अगर मान लो पांच लोग का देगा तो आपके पास दो से तीन क्वेश्चन बनाएगा। बेसिकली अगर स्टेटमेंट चार पांच देता है तो कम से कम चार से पांच प्रश्न पूछने का संभावना इसमें होता है। नाउ लेट्स टू द कम नेक्स्ट क्वेश्चन। In exhibition, seven cars of different companies, Cadillac, Ambassador, Fiat, Maruti, Mercedes, Bedford and Fargo are standing facing to the east. अब सबके सब पूरब की ओर देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास Cadillac है, Bedford है, Cargo है, Ambassador है, Fiat है, Maruti आपको अलग अलग यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, कितने अपने पास? सात है। तो पहला काम, एक दो तीन चार पांच छ सात, एक दो तीन चार पांच छह सात। ठीक है, हेल्पिंग लिए अपन लोग यहां पर इसको रख लेते हैं, है ना। अब दिया हुआ है फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन एंड। फिएट जो एम्बेसडर के बाईं और तीसरे नंबर पर है, फिएट, फिएट जो एम्बेस, सबके सब ऐसा देख रहे हैं ना, तो ये इसका बायां सिरा होगा और ये इसका दायां सिरा होगा। फिएट जो एम्बेसडर के बाएं तीसरे स्थान पर है, एम्बेसडर के बाएं, फिएट एम्बेसडर के बाएं तीसरे स्थान पर है, वो एक छोर पर है, मतलब फिएट यहां पर क्या हो गया, छोर पे हो गया हमारे पास। ठीक है, ये कौन सा है? फिएट, और ये कौन सा हो गया? एम्बेसडर, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, फिएट और एम्बेसडर से अपन मिला के देखते हैं, कहीं पर कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है क्या, फिएट एम्बेसडर, एम्बेसडर हाँ दिया। फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, फार्गो इज फोर्थ टू द राइट, ये हमारे पास फार्गो और ये हमारे पास फार्गो हो गया। ठीक है, और क्या दिया है? मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, मारुति कहां पर है? एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में, मारुति एम्बेसडर और बेडफोर्ड, मारुति एम्बेसडर और बेडफोर्ड। ठीक, और कैडलिक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो, कैडलिक तो फार्गो के नेक्स्ट में यहां पर कैडलिक, तो ये फिगर एक ही बनेगा, कैडलिक हो गया अपने पास। बच कौन सा गया है? एक हमारे पास बच गया, कौन सा बच गया है? एम्बेसडर हो गया, मारुति हो गया, फार्गो, कैडलिक हो गया, फिएट हो गया, कौन सा बच गया है? पांच तो हो गया अपने पास, मर्सिडीज, सॉरी हमारे पास मर्सिडीज बच गया है, है ना, अपने को इसका जरूरत है नहीं। तो हमारे पास ये, हमारे पास मूल फिगर, हमारे पास ये वाला। ठीक है, पहले बता रहा हूं इसको जब बनाएंगे तो आराम से समय लेके बनाना, क्योंकि सी सेट में आपको बहुत सारा समय मिलेगा, और आपने एक सही फिगर बना लिया तो आपके पांच नंबर डैम श्योर पक गया आपके पास। ठीक है, और सी सेट आपको क्वालिफाई करना है, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये मस्ट हैव टॉपिक है, क्योंकि यहां से आपको प्रश्न पूछता ही पूछता है आपको।
ठीक, विच वन ऑफ इज द फॉलोइंग करेक्ट पोजिशन ऑफ मर्सिडीज, मर्सिडीज पोजिशन क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है। और क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ कैडलिक, नहीं कैडलिक के राइट में है, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ बेडफोर्ड, नहीं, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, बिल्कुल सही है, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, मर्सिडीज का पोजिशन बता रहा है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फ्लाइट्स टू द राइट ऑफ एम्बेसडर, एम्बेसडर के राइट में कौन है, एम्बेसडर राइट में क्यों, फार्गो। अच्छा, कौन पूरा समूह बोला है क्या, एम्बेसडर के राइट में फार्गो, कैडलिक और मर्सिडीज, फार्गो, कैडलिक और मर्सिडीज, नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मारुति इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, मारुति इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, यस सही है, मारुति इज लेफ्ट टू द एम्बेसडर, अपने को सही खोजने है ना, अपने को बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो अपन लोग बना चुके ना, मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, ये वाला हमारे पास सही हो गया, ठीक है, इसको अपन लोग बना चुके ना, कौन सा, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। उसके बाद विच ऑफ द कार्स आर बोथ साइड्स ऑफ द कैडिलिक कार, कैडिलिक के दाएं बाएं में कौन है, कैडिलिक के देखते हैं दाएं बाएं में कौन है, कैडिलिक, 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 फार्गो और मर्सिडीज, फार्गो एंड मर्सिडीज, फार्गो एंड मर्सिडीज, ये हमारा आंसर, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्या रहेगा आपके पास, दो से तीन नंबर का रहेगा, ठीक, एकदम इजी है। फाइव गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू द टू फोटोग्राफ्ड, ठीक, पांच लड़कियां फोटो खिंचाने के लिए बेंच पर बैठी है, अब हम जानते नहीं है, तो अब यहां पे पोजीशन दिया नहीं है कि वो कहां पर देख रहे हैं, पूरब की ओर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ईस्ट की ओर देख रहे हैं, पूरब की ओर देख रहे हैं, कहां पर हमको नहीं दिया, तो कभी भी अगर हमको डायरेक्शन नहीं देगा तो हमारे पास जो डायरेक्शन हम जिसको बेस लेके चलते हैं वो क्या होता है, नॉर्थ, तो हम ये मान के चलेंगे सभी के सभी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, तो पांच लोग हैं, तो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, सबके सब ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि इसमें सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, रीता इज बिटवीन मैरी एंड रानी एंड मैरी, तो हमको यहाँ पे पांच लोग का दिया नहीं, किसी का पोजिशन फिक्स हमको दिया नहीं, किसी का पोजिशन हमको फिक्स दिया नहीं है, तो हम जो स्टेटमेंट हम उसी को लेके बनाना चालू करते हैं। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, सीमा रानी के, सीमा रानी के बाई ओर है और बिंदु के दाई ओर है, ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास टोटल पांच लोग के बारे में बात हो रही है, पांच लोग में तीन लोग हो चुके हैं, हो सकता है कि दो यहां पे आए, हो सकता है दोनों यहां पर आए, या हो सकता है एक यहां पर है और एक यहां पर, ठीक, तो अब आके देख लेते हैं। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी कहां पर है, रानी के राइट में है। रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, ठीक है, क्योंकि मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, ये दिया राइट में, लेकिन तुरंत राइट बोला है कि नहीं दिया, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपन लोग क्या करेंगे, अपन अपने अपने जो डायग्राम हो गया, फिगर को होगा, हम अकॉर्डिंग टू द प्रश्न उसको हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका, ठीक है। हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इन फोटोग्राफ, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, हम यहां से लेंगे सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीमा, ठीक है। नाउ हु इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, हु इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, सेकेंड राइट से कौन है, रीता, ठीक। हु इज इन द मिडल ऑफ, मिडिल में कौन, देख चुके रानी है, ठीक है, मिडिल में कौन है, हमारे पास हमारी महारानी है बीच में, ठीक है, और रानी। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीता, इमीडिएट राइट, रीता को याद होगा, रीता रानी और मैरी के बीच में था, तो मैरी होगा अपने पास आंसर,
ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबके सब पूरब की ओर देख रहे, कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह सात, हमने सात को बना लिया। सभी के सभी पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। अब किसी का पोजीशन फिक्स दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है। एस उत्तरी छोर से पांचवें स्थान पर बैठा है, एस उत्तरी छोर से, ठीक, कहां पर है, पांचवें स्थान पर, ये उत्तर हुआ, ये उत्तरी छोर हुआ ना, ये उत्तर का, ये दक्षिण का हुआ, तो एक दो तीन चार पांच, एस यहां पर बैठा है, एक दो तीन चार पांच, एस यहां पर बैठा, उत्तरी छोर पर पांचवें बैठा, ठीक है। फिर आर इज इमीडिएट राइट ऑफ एस बट नॉट नेक्स्ट टू यू, आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, आर एस के ठीक दाई ओर है लेकिन यू के बगल में नहीं है, आर एस के ठीक दाई ओर लेकिन यू के बगल, मतलब यू इधर नहीं आ सकता, ये हम जानते हैं, यू वहां पे नहीं आएगा। क्यू इज एट द वन एंड एंड हैज टी हैज हिज नेबर, क्यू एक छोर पर है और टी उसका साथी है, तो यहां तो नहीं आ सकता, तो क्यू और टी को यहीं पर आना पड़ेगा, क्यू और टी को यहीं पर आना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, वी कहां पर है, टी और यू के बीच में, वी कहां पर है, वी टी और यू के, यू तो यहां नहीं आ सकता, तो वी जो होगा ना टी और यू के बीच में होगा, ठीक है। और बच कौन गया हमारे पास, एक ही आदमी बच गया है, वो कौन बच गया है, पी, तो यहां पर कौन आ जाएगा, पी, क्लियर हुआ, ये हमारे पास फिगर हमारे पास बन गया है, ठीक। अब ये बोला है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी के बीच एस बैठा है, एस यू और आर के बीच में बैठा है, एस कहां पर बैठा है, यू और आर के बीच में यहां पर बैठा है, ठीक है। ये हमारे पास बेस फिगर हो गया, देख रहे हैं इसको ना, एक्सट्रीम एंड्स, ये एक्सट्रीम एंड्स अपन देख चुके, क्यू और पी है, पी और, ठीक, इससे अपने पास दो ही क्वेश्चन हमारे पास पूछा है, ठीक है। चलिए अगला, पहले आप थोड़ा ट्राई करने इसको फिगर को, फिर मैं बनाता हूं इसको, ठीक है। ध्यान देख लीजिए, चलिए ठीक, सात पेड़ हैं, एक सीधी पंक्ति में लगाए, तो एक दो तीन चार पांच छ सात, एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक। पपीते का पेड़ नींबू पेड़ के दाएं चौथे स्थान पर लगाया है, अभी अपने को मालूम नहीं है, अपन कंफर्म देखते कौन सा केस है। अशोक का पेड़ पंक्ति के अंतिम छोर पर दाहिने ओर लगा, अशोक का पेड़, ठीक है, अशोक मतलब अपन लोग यहां देख ले, ठीक, अशोक कट इज प्लांटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द राइट, अशोक एक्सट्रीम राइट पे, अच्छा अब देखते हैं अशोक से किसी का रिलेशन दिया हुआ है क्या, अशोक से किसी रिलेशन दिया है क्या, नहीं, अशोक से रिलेशन किसी का नहीं दिया हुआ है, ठीक, चलिए ठीक है, ये हमको दिया। फिर क्या बोला है,
पपीते का पेड़ नींबू पेड़ के दाएं चौथे स्थान पर है, ठीक। अच्छा अपन लोग यही इंग्लिश में देखें, ठीक है। द बनाना ट्री इज प्लांटेड इमीडिएटली नेक्स्ट टू द मैंगो ट्री, ठीक है। तभी अपने तो नहीं देख सकते अपन लोग, है। द मैंगो ट्री एंड गवर ट्री आर इमीडिएटली इमीडिएट नेबर्स ऑफ लेमन ट्री, ठीक है भाई, ये भी ठीक है, लेमन ट्री है ना। द पपाया ट्री इज प्लांटेड फोर्थ टू द राइट ऑफ लेमन ट्री, पपाया ट्री फोर्थ टू द, अब यहां से केस बन सकता है, ठीक। फोर्थ मतलब वन टू थ्री और फोर्थ, दो कंडीशन बनेगा। पपाया ट्री इज प्लांटेड फोर्थ टू द राइट ऑफ लेमन ट्री, पपाया ट्री लेमन ट्री, अगर यहां पर लेमन को लिया तो वन टू थ्री फोर्थ में कौन बैठेगा, पपाया, ये लेमन और पपाया, और लेमन को यहां पर लिया तो पपाया कहां बैठाना पड़ेगा, यहां पर बैठाना पड़ेगा, दो ही केस हमारे पास बनेगा, ठीक है ना। अब लेते हैं मैंगो ट्री यहां पर, ठीक है ना, और क्या बोला है, द मैंगो ट्री एंड गावर ट्री आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ लेमन ट्री, इमीडिएट नेबर्स ऑफ मैं, है ना, किसका, अब इमीडिएट नेबर बोला है, मतलब आजू बाजू होगा, किस किस का बोला अपने को, मैंगो ट्री एंड गवार ट्री आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ लेमन ट्री, मैंगो और गवा, तो दो कंडीशन होगा, या तो इधर मैंगो या तो इधर क्या होगा गावा, ठीक है, या तो इधर क्या होगा गावा और इधर यहां पर क्या होगा मैंगो, दो ही कंडीशन होगा, ठीक। अब बनाना ट्री इज प्लांटेड इमीडिएटली द नेक्स्ट ऑफ मैंगो ट्री, नेक्स्ट ऑफ मैंगो ट्री तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर अगर मान लो मैंगो बैठे यहां पर इसको बैठाना पड़ेगा तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, ये जो मेरा केस बना है सेकंड में, जो मेरा यहां पर केस बना है ना, मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस जगह में मेरे को यहां पर क्या बैठाना पड़ेगा, यहां पे गावा को बैठना पड़ेगा, गावा को यहां पर किसको बैठना पड़ेगा, मैंगो को बैठाना पड़ेगा, और मैंगो से जस्ट राइट में कौन है, मैंगो से जस्ट राइट में कौन है, बनाना, तो यहां पर कौन बैठेगा, बनाना ट्री बैठेगा यहां पर, और एक हमारे पास बच गया है, वो कौन बच गया है, इसमें लेमन हो गया है, गवा हो गया है, बनाना, मैंगो, एप्पल, ये हमारे पास एप्पल, ठीक, और ये पपाया, तो हमारे पास ये वाला फिगर बन गया, और हम क्या करेंगे, इसी को बेस लेके चलेंगे, तो हमारे पास ये वाला चीज क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करने पड़ेंगे, एजम्पशन आपको लेके चलने पड़ेंगे अलग अलग, ताकि आपको फाइनल फिगर आपको कन्फर्म आपको सही वाला मिले, ठीक। तो ये हमारे पास फाइनल फिगर हमारे पास बन चुका है, अब इसी को बेस लेके हम बनाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द केस, पांच एक निश्चित तरीके समान है, एक समूह बनाते हैं, और कौन सा जो समूह को संबंधित नहीं है, अलग कौन है, लेमन और मैंगो, लेमन मैंगो, लेमन मैंगो एक साथ है, बनाना एप्पल एक साथ है, गुआवा लेमन एक साथ है, मैंगो बनाना एक साथ है, एप्पल अशोक नहीं, एप्पल अशोक अलग अलग है, ठीक है भाई। देखो बाकी सब में यहां पर क्या बोला, लेमन मैंगो बोला, लेमन मैंगो आजू बाजू है, बनाना एप्पल बोला तो आजू बाजू है, मैंगो बनाना बोला आजू बाजू है, गुआ लेमन बोला तो आजू बाजू में है ना, और अगर एप्पल अशोक बोला तो उसके बीच में यहां पर एक दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद के पेड़ के संदर्भ में सेब का पेड़ किस स्थान पर है, ठीक है, सॉरी, एप्पल ट्री विथ रेस्पेक्ट टू गावा ट्री, एप्पल ट्री विथ रेस्पेक्ट टू गावा ट्री, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, क्लियर, ठीक है, एक बार उसको ध्यान देख लीजिए, एक बार फोर्थ टू द राइट, नाउ अब यह मस्त क्वेश्चन, अच्छा क्यों, क्योंकि अब आपको दिया हुआ है पूरा दाएं बाएं, आपको दो लोग बैठा हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेटेस्ट पैटर्न है, याद रखना, आजकल ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछ रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए फिर बनाता हूं मैं।
ओके, ए बी सी डी और ई पांच पुरुष हैं जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक। एम एन ओ पी और क्यू पांच महिलाएं जो समांतर से दूसरे पंक्ति उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है भाई। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, सबऑर्डिनेट फिगर बना लेते हैं, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये हमको दिया हुआ, ठीक है ना। जो यहां पर बैठा है वो इधर देख रहा है, जो यहां पर बैठा है वो इधर देख रहा है, ठीक है। यहां पर ए बी सी भी बैठे हैं और यहां पर एम एन ओ पी क्यू आर बैठे हैं, ठीक। ओके, पहला कंडीशन जो देखते हैं, देखते हैं किसी का पोजीशन फिक्स है क्या। बी डी के ठीक बाई ओर है, ओके विप क्यू के विपरीत नहीं है, सी और एन की विकर्णता मतलब डायगनली ऑपोजिट, सी एंड एन आर डायगनली ऑपोजिट। डायगनली ऑपोजिट मतलब क्या होता है, मानो ये आपका कोने कोने का होता है, याद रखना। डायगनली ऑपोजिट बोलेगा हमेशा क्या होगा, जो दोनों कोने सिरे पे अलग अलग दिशा में होंगे। तो एक कंडीशन होगा सी और एन, और एक कंडीशन होगा कि सी और एन, सी और एन या सी और एन, ये दो कंडीशन हमारे पास होगा, ठीक है। अब एन से किसी का रिलेशन है क्या, हम ये देखते हैं। एम एक छोर पर है, एम एक छोर पर है, एम एक छोर पर है। सी एम और एन से कोई रिलेशन है क्या। ई ओ के ठीक विपरीत है, जो एम के ठीक बगल में, एम के ठीक बगल में। ई ओ के विपरीत है, ई कहां पर है, ई जो है ओ के विपरीत है, जो एम के ठीक बगल में है। ई ओ ये ना, ठीक, ई और ओ, दो ही कंडीशन हमारे पास होगा, ठीक। पी क्यू के ठीक बाई ओर है, 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 डी के विपरीत है, पी डी के विपरीत है, पी डी के पी डी के विपरीत, पी डी के विपरीत, ठीक। ये हम ऐसा बना लिया। बी जो डी के ठीक बाई ओर है, बी जो डी के ठीक बाई ओर है, क्यू के विपरीत है, बी जो डी के ठीक बाई ओर है, बी अब ऐसा है ना, ऐसा देख रहा है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका बायां सिरा होगा और ये इसका दायां सिरा होगा। तो यहां पर B जो D के ठीक बाई ओर है, B जो ठीक D के ठीक बाई ओर है, Q के विपरीत है, B जो Q के ठीक बाई ओर है वो Q के विपरीत है, ठीक है। और कौन बच गया अपने पास, एक ही आदमी बच गया, कौन है, A बच गया। तो A यहां पर हुआ, A यहां पर हुआ, हमारे पास दो फिगर बना, एक ये वाला बना, एक ये वाला फिगर बना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, Who is sitting next to opposite to N? N के opposite में कौन है? A. हम यहां पर भी लिए तो N के opposite में कौन है? A. और यहां पर लिए तो N के opposite में क्या होगा? A होगा, ठीक है। चलो दूसरा, opposite to the person second to the right of P. Second to the right of P. Second to the right of P यहां पर कौन हुआ? Q हुआ। Q के opposite में कौन हुआ? B हुआ। अब B ऐसे देख रहा है तो ये इसका राइट हुआ, राइट में सेकंड में कौन सा होगा, ई होगा, नए पोजीशन के हिसाब से, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर, ए एम सी एन, या तो ए एम या फिर सी एन, ए एम दिया हुआ है। नाउ If B shift to the place of E, E shift to the place of Q. If B shift,
अच्छा पहले फिगर देख ले, मतलब वाला फिगर बना लेते हैं ताकि अपन कन्वे, सी ई डी बी ए, सी ई बी डी ए है ना, सी बी सी डी बी ए, सॉरी सी ई डी बी ए, सी डी बी ए, सी ई डी बी ए, और क्या था, एम ओ पी क्यू एन, एम ओ पी क्यू एन, ठीक है रहता है। अच्छा ई बी शिफ्ट द प्लेस ऑफ ई, ई शिफ्ट द प्लेस ऑफ क्यू, ये कौन सा हो गया भाई। अच्छा ई कहाँ चला गया, अच्छा ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्या बोल रहा है, बी शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ई, ई शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ क्यू, एंड क्यू शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ बी, हु विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ऑपोजिट टू ओ, हु विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू ओ, ओ के ऑपोजिट में कौन है, यहां पर बी है, और बी के यहां पर लेफ्ट में कौन है, यहां पर अगर मैं देखूंगा तो यहां पर कौन दिख रहा है, यहां पर पहले बी था, उसका पोजिशन कौन ले लिया है, क्यू ले लिया है, तो क्यू हमारा आंसर होगा, क्लियर। ओ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ओ के दाएं, वो ऐसा देख रहा है दाएं तीसरे स्थान पर, एक दो तीन एन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी के लेटेस्ट ट्रेंड में आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको दोनों दिया हुआ है, कुछ लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग दक्षिण की ओर देख रहे हैं, और यहां पर आठ लोग बैठे हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को, कितने लोग हैं, आठ लोग हैं, ठीक है, तो पहला काम, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक, कंफर्म देखते कहां पर दिया, कहीं पर एंड वाला दिया है क्या, एस का मुख उत्तर की ओर है, एस के दाएं केवल दो व्यक्ति, हां दिया है, एस के दाएं केवल दो व्यक्ति बैठे, कंफर्म हो गया कि एस को यहीं बैठना पड़ेगा तभी तो यहां पर होगा, एक कंडीशन ये होगा, एस के दाएं केवल, एस का मुख उत्तर की ओर है, क्योंकि उत्तर की ओर है, वहां पर ऐसा नहीं हो सकता ना कि उत्तर मतलब ऊपर देख रहा होगा, उसके दाएं केवल दो व्यक्ति बैठे, तो पोजिशन फिक्स हो गया एस का, और यहां पर यह हो गया, ठीक, टी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, टी एस के बाएं से, टी एक दो तीन, टी बाएं से पहला दूसरा तीसरा, टी यहां पर होगा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा हो जाएगा ना, टी कहां दिया अपने पास, एस के बाएं, पहला दूसरा तीसरा, टी सॉरी, एस के बाएं पहला दूसरा तीसरा, टी यहां पर होगा, पहला दूसरा तीसरा, टी यहां पर होगा, और टी का पोजीशन दिया है क्या, टी का मुख एक्स के विपरीत दिशा में है, ठीक है भाई, और बोला है कि टी के दोनों का एक ही दिशा में होगा, ठीक है, जहां भी होगा मतलब एक ही दिशा में होगा, ठीक, अच्छा, और टी से किसी का संबंध दिया है क्या, या एस से, टी और एक्स के बीच में एक आदमी बैठा है, ठीक है भाई, टी और एक्स के बीच में एक आदमी बैठा है, तो एक कंडीशन ये होगा कि एक्स इधर होगा, और एक कंडीशन ऐसा होगा कि टी और एक्स के बीच में एक आदमी बैठा है, ठीक है, लेकिन एक्स कहां देख रहा अपने की नहीं मालूम है, ठीक है, अच्छा, यू एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है,
यू एक्स के बाएं, यू एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तभी तो ऐसा होना, तभी तो यू, क्योंकि ऊपर तो देख सकता नहीं है, यू एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यहां पर मतलब इधर बैठा होगा, तो यू एक्स के बाएं पहला दूसरा तीसरा यहां पर यू, ठीक है। और अगर सपोज यहां पर बैठा है तो क्या होगा, यहां पर यू टी है ना, यू के बाएं, यू के बाएं तीसरे स्थान पर, इधर पर यू आ सकता है। और अगर ऐसे बैठा है ना, दो कंडीशन पर लेना, क्योंकि ऐसे ही तो बैठ सकता है, तो एक दो तीन यहां पर भी यू बैठ सकता है, ठीक। अभी अपन ये ले लेते हैं, ठीक है, अभी अपन दोनों लेके अपन चलते हैं, ठीक। और कहीं पर दिया है क्या, यू एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा, यू एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा, दो कंडीशन हुआ, एक्स का बाएं ये लिया, ठीक। एक्स डब्ल्यू के ठीक दाएं हैं, एक्स डब्ल्यू के ठीक दाएं हैं, एक्स डब्ल्यू के ठीक दाएं हैं, तो एक्स डब्ल्यू के ठीक दाएं होगा तो मतलब क्या करना पड़ेगा, एक्स डब्ल्यू के ठीक दाएं डब्ल्यू को यहां पर बैठाना पड़ेगा, तभी तो उसका ठीक दाएं होगा, ठीक है ना। और एक्स डब्ल्यू के ठीक दाएं हैं, और अगर मान लो तो यहां पर इसको बैठाना पड़ेगा, यहां पर W को यहां पर बैठाना पड़ेगा, ठीक, ये हमारे पास कंडीशन होगा, ठीक है। अच्छा, और T का निकटतम एक ही, T का निकटतम पड़ोस दोनों का दिशा एक ही है ना, ठीक है भाई। और क्या दिया है, यू एक्स दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, टी एस के बाएं, एस के दाएं कुल दो व्यक्ति है, एस का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक। यू एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यू एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक, हाँ। वाई पंक्ति किसी छोर पर नहीं बैठा, तो वाई तो नहीं होगा, वाई और यू दोनों जड़ के विपरीत दिशा में है, टी का वो स्थान पर, तो यहां तो ये कंडीशन आपका ये हो सकता है कि आपको इधर तो एक्स बैठाएगा नहीं, है ना, क्योंकि अगर यहां पर होगा तो यहां पर क्या होगा, टी का जो, टी का जो निकट जो है, टी का जो निकटतम पड़ोसी का मुख एक ही दिशा में है, टी के निकटतम पड़ोसी का एक ही दिशा में, तो अगर वो इधर बैठेगा तो इधर बैठेगा तो यू को भी कहां बैठाना पड़ेगा, यू को भी इधर ही देखना पड़ेगा, लेकिन ये कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। यू एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर, तो यू एक्स का, यू एक्स के बाएं, यू क्या हो, अगर ऐसा बैठा है ना तो यू एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा होगा, और अगर सपोज तब यहाँ पे क्या होगा, अपने को यू को, अपने को एक्स को ऐसा बैठाना पड़ेगा, तभी तो ये इसका कंडीशन होगा, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब यू को ऐसे दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला, समान दिशा में बोला है, तो मतलब यहाँ पर भी U को भी अपने को ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक, तो ये वाला कंडीशन फेल हो गया। U कहाँ पर होगा, U X के बाएं, लेकिन U X के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ये कंफर्म, ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला केस क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि U क्या होगा, X के यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाएं सिरे पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर बैठा है U, यहाँ पर U को नहीं बैठा सकते, है ना, यहाँ पर U को अपन लोग नहीं बैठा सकते, तो U को यहीं पर बैठाना पड़ेगा, ठीक, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि कहाँ पर बैठा है U, कहाँ पर बैठा है, X के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, U X के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका मतलब कंडीशन यहाँ पर ये बना है कि U को X को ऐसा बैठाना पड़ेगा, और ये इसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। और कहीं पर दिया है क्या, Y और Z के बीच में एक आदमी बैठा है, सॉरी W और Z के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, W और Z के बीच में मतलब Z को यहाँ बैठाना पड़ेगा, Y किसी छोर पे नहीं है तो Y को यहीं पर बैठाना पड़ेगा, एक आदमी बच गया, वो कौन बच गया है, S T U V बच गया, तो V को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, ठीक। और क्या दिया है, V का मुख W के समान दिशा में, V का मुख W के समान दिशा में, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। Y और U का मुख दोनों जड़ के विपरीत दिशा में है, जड़ के विपरीत दिशा मतलब ये दोनों कहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये हमारे पास फाइनल फिगर बन गया, ठीक है। कभी कभार ऐसा कॉम्प्लिकेशन होगा, साथ में आप हेल्पिंग फिगर साथ में लेके चलना, इसको भी से बता रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में, टी ऐसा बैठा है ना, टी ऐसे बैठा, ये इसका राइट होगा, तो ये इसका राइट में दूसरे नंबर पर कौन है, वी हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला यहां पर क्या बोला है, वॉट इज द पोजिशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जेड, एक्स का पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड, एक्स का पोजिशन जेड के 1, 2, 3 राइट में है, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, ठीक। नाउ द लास्ट वन, फोर ऑफ देम आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक। पहला आपने क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू और जेड, बीच में एक आदमी बैठा और सेम डायरेक्शन में, जेड और वाई, जेड और वाई, जेड और वाई के बीच में, जेड और वाई, जेड जेड और वाई ऑपोजिट डायरेक्शन में है और बीच में यहां पर चार लोग बैठे हैं, ठीक। आगे मिला के देखते हैं क्या बोल रहा है यहां पर, टी और एस, टी और एस, टी और एस, टी और एस के बीच में यहां पे दो लोग बैठे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं, ठीक। टी और वाई, टी और वाई, टी और वाई, टी और वाई सेम डायरेक्शन में है, ठीक है भाई, ठीक। अच्छा अपन एक काम करते हैं, वहां का जो क्वेश्चन है उसको यहीं पर ले लेते हैं, ठीक, वो सबसे इजी पड़ेगा। डब्ल्यू जेड जेड वाई, डब्ल्यू जेड जेड वाई, डब्ल्यू जेड जेड वाई, ठीक है, उस क्वेश्चन को अपन यहीं पे ले लेते हैं। टी एस टी वाई वी यू, टी एस टी वाई, टी एस टी वाई वी यू, ये हमारे पांच ऑप्शन, ठीक। अभी देखते हैं, चलो V और U देखते हैं, V और U, V और U, V और U एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, दोनों एक एंड पे हैं और दोनों के बीच यहां पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं। T और Y को देखते हैं, T और Y दोनों यहां पे सेम डायरेक्शन पे हैं, दोनों यहां पर सेम डायरेक्शन है। T और S को देखते हैं, T और S यहां पर क्या है अपने पास, ऑपोजिट, T और S ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक। फिर अपन देखते हैं Z और Y को, Z और Y को यहां पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। W और Z को देखते हैं, W और Z को देखते हैं तो वहां पर भी यहां पर क्या अपने पास, ये अपन W और Z को देखेंगे तो ये भी यहां पर क्या है, बीच में एक आदमी बैठा है, ठीक। W Z में अपन देखे तो एक आदमी बैठा है, Z और Y में देखे तो यहां पर चार लोग बैठे हुए हैं, T और S में देखे तो दो लोग बैठे हुए हैं, T और Y में देखे तो यहां पर चार लोग बैठे हुए हैं, V और U में देखे तो एक्सट्रीम पोजिशन पे है, ठीक है। अब ये देखे कि सब लोग कहां पर बैठे, बीच में बैठे हैं, और V और U यहां पर क्या थे अपने पास, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अपन उल्टा भी देखते हैं, पहले क्या कर देखते हैं, सभी के सभी सेम डायरेक्शन में है क्या, W और Z, W और Z को देखते हैं, W और Z सेम डायरेक्शन, Z और Y, Z और Y ऑपोजिट डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, T और S, T और S देखे तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। T और Y देखे, T और Y देखे तो यहां पर सेम डायरेक्शन है, और है ना, V और U देखे तो यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो ये हमारे पास ये वाला कंफर्म हो गया, ये वाली दिक्कत जरा अपने पास, ठीक। तो एक बार ये लेके चलते हैं कि V और U को, V और U को देखे ये कहां पर है, सबसे अंतिम छोर पर है, वो अपना आंसर होगा, ठीक। अगर मान लो सपोज वैसा, और अपन लॉजिक और देखते हैं तो और क्या हो सकता है, अगर मैं और लिया तो यहां पर, अगर मैं सपोज लिया पहले W और Z को, W को लिया, W को लिया तो Z के कहां पर है, राइट में, W जो है Z के राइट में है, Z और Y, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, W है ना, ये Z और Y को लिया, Z को लिया और Y को लिया, ये इसके राइट में है, ठीक है ना भाई, Z Y के राइट में है, देखना ये इसके राइट में है, ये भी इसके राइट में है, ठीक। S और T को देखता हूं, T क्या है, S के राइट में है, T S के राइट में है क्या, नहीं, T S के लेफ्ट में है, ये भी देखते हैं, ठीक। T लेफ्ट के राइट में है क्या, T लेफ्ट राइट में है क्या, यस T लेफ्ट के राइट में है, बिल्कुल सही है, ठीक, ये हमारा सही है। V और U को देखते हैं, V और U को देखते हैं, क्या V U के राइट में है, U के राइट में है, बिल्कुल सही, यहां पर राइट में है, तो ये भी यहां पर क्या है अपने पास, ये राइट में है। तो पहले अपन लोग क्या देखेंगे, ये वाला पोजिशन देखेंगे,
कि कौन किसके लेफ्ट में, कौन कौन से राइट में। तो सभी के सभी यहां पर क्या हो रहा है, ये इसके राइट में, ये राइट में है, ये राइट में, ये राइट में, लेकिन ये जो अपने पास टी और एस आ रही है कहां पर, अपने पास लेफ्ट में है, मतलब जो पहला वाला है दूसरे के लेफ्ट में है। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर सपोज ये अपना आंसर मैचअप नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वी और यू को लेके देखेंगे, वो हमारा आंसर होगा। क्यों, इसी में क्या होगा आपका जो क्लासिफिकेशन होगा आपको वहां पर, वो भी उसको वहां पर क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा था लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। जो अगला इसी के साथ में कंटिन्यू सीरीज होगा उसमें क्या होगा, हमारे पास सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए